वैसे मैंने कहा भी है कि मोबाइल से रिश्ता निभाना आ गया, अंधों में भी राजा एक काना आ गया, और भाई बहन संग खाते थे समोसे, ये पिज्जा और जीजा का जमाना आ गया। और पिज्जा और जीजा दोनों से पीड़ित हमारे बीच में कवि हैं रोहित पांडे जी, ये हास्य कवि हैं, पत्नी से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं, बहुते पीड़ित हैं। स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भैया प्रशांत भैया। माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ, माता पिता को प्रणाम करता हूँ, अपने गुरु चरणों का वंदन करता हूँ। और मंच बहुत समृद्ध है, मंच के हर एक व्यक्ति को चरण स्पर्श करता हूँ, और इस माँ गंगा के पावन धारा के प्रांगण में मैं अपनी बात शुरू यहीं से करता हूं कि भैया ने कहा मैं पत्नी पीड़ित हूं, ये अपनी बात मुझे बता गए कि पहले शर्माती थी अब दहाड़ती है। अरे साहब ये मेरी पत्नी मुझे बहुत मारती है। और मैं यहीं से कहता हूं कि उस पे है शुक्र की दशा शायद, नहीं कहा भैया कि उस पे है शुक्र की दशा शायद, मेरे ऊपर चढ़ा सनीचर है, उसकी आंखों में दिखती है दुनिया, मेरी आंखों में सिर्फ कीचड़ है। कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा भैया, कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा, लड़ करके अपने साले से ससुरे से मरेगा, कुछ भी किया इनकार तो झगड़े से मरेगा, लड़ करके अपने साले से ससुरे से मरेगा। जिसने भी मेरी प्रेमिका से ब्याह किया है देख लेना एक दिन वो खसरे से मरेगा। देखिए मैं पंडित आदमी हूं, हर जगह उपयोग में लाया जाता हूं, जीवन के बाद भी जीवन के साथ भी। अगर भरोसा ना हो तो पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। और देखिए मेरा पैर टूटा हुआ है, और कई लोगों ने पूछा कारण क्या है, पैर कैसे टूट गया, तो मैंने अपने उस प्लास्टर पे लिख दिया और वही बताने की कोशिश कर रहा हूं कि दिल से दिल को मिलाकर बैठा हूं, दो छतों की दूरी मिटाकर बैठा हूं। जब से देखा है बीबी ने मुझे इश्क में, तब से अपने पैर तुड़वा कर बैठा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे बीच हास्य के वो हिमालय बैठे हैं जिनको मैं चरण स्पर्श कर प्रणाम करता हूं, सुदामा तिवारी जी को, और उनसे आशीर्वाद लेकर मैं अपनी पंक्तियां पढ़ता हूं कि बीवी मेरी चलती है जब भी जुल्फ झटक के सब कुत्ते भौंकते हैं कटकटा के कटक के। तारीफ जिस घड़ी मैं उसकी करता नहीं हूं वो मारती है चार लात मुझको पटक के। और एक मुक्तक और पढ़ता हूं कि मिली मोहब्बत उसकी जमाने से अट गया, साथ में उसके सावन भादो पूस जेठ गया, पिज्जा पिक्चर शॉपिंग के बाद भी मुझे छोड़ गई, मैं उसके प्यार में सब कुछ लुटा के बैठ गया। और मैं अपनी एक राशि रचना पढ़ता हूं। एक नेताजी हुए सुभाष चंद्र बोस, जिन्होंने कहा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। आज के नेता हैं कहते हैं तुम मुझे खून दो मैं उसे पूरा चूस लूंगा। तब मैं अपनी कविता पढ़ता हूं कि मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा,
मेरे मन में भी नेता बनने का भाव जागा, विचार बताने अपनी एकमात्र पत्नी के पास भागा। उसने कहा विचार अच्छे हैं मगर राजनीति में भी आप कच्चे हैं। मैंने कहा अरे भाग्यवान, राजनीति बहुत आसान है, जनता बहुत परेशान है, उसकी परेशानियों का झूठा हल बताऊंगा और सबका नेता बन जाऊंगा। और मैं सबका नेता बन जाऊंगा फिर क्या, मुझे फोन आने लगे, हम भी हर जगह जाने लगे। कई जगह काटे फीते कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। कई जगह काटे फीते कुछ का किया लोकार्पण, हर जगह समय के बाद किया पदार्पण। इतने में एक फोन आया, विसंगतियां सुनेगा भैया, इतने में एक फोन आया, एक शव यात्रा में मुझको बुलाया गया, मुख्य अतिथि मुझको बनाया गया, संवेदना के आंसू बहाने हैं ऐसा मुझको बताया गया। मैंने भी आओ देखा न ताव, बिना जाने जनता का भाव, बांह चढ़ाते हुए मुंह को खोला, बड़े अच्छे आदमी थे ये बोला। अच्छा। ये सुनते ही लोग आपस में फुसफुसाने लगे, मेरी तरफ देख मुस्कुराने लगे। मैंने कहा चलो अर्थी को देते हैं कंधा, लूला लंगड़ा हो या अंधा। ये सुनते ही मेरे पीए ने मुझको टोका, आगे बढ़ने से रोका, लाश की तरफ इशारा करके दिखाया, कुत्ता मरा पड़ा था ये मुझको बताया। मैं अपनी बेइज्जती को भांप गया, नंगे पांव वहां से भाग गया। तब मैंने ये जाना बहुत कठिन है राजनीति कर पाना, अब मैं राजनीति नहीं कर पाऊंगा, पंडिताई से ही अपना घर चलाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।